देख रहे हैं न्यूज और झारखंड की सुपर 25 खबरों के साथ मैं महेंद्र पात्रा। लेकिन खबरों में दर्शकों आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक छोटी सी अपील करना चाहते हैं। जी हां, आज के समय में ईमानदार पत्रकारिता करनी है तो हमें आपका सहयोग ही सर्वोपरि होगा, तभी हम निर्भीक और सच्ची पत्रकारिता कर पाएंगे, क्योंकि हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं और आगे भी हम ऐसे ही बने रहना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से तटस्थ और निष्पक्ष होना इन दिनों एक महंगा मामला है, इसलिए आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक मदद करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। कदमा राम जन्मनगर में मरीन ड्राइव किनारे खरकई नदी में नहाने के दौरान रविवार को दो बच्चियां डूबी, एक को निकाला गया बाहर, एक की तलाश है जारी। सुंदरनगर चौक पर दुर्गा पूजा के लिए तैयारी हुई शुरू, हुआ भूमि पूजन। NH 33 स्थित आशियाना अंतारा सोसाइटी में भी आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा के लिए पंडाल का रविवार को हुआ भूमि पूजन। विधि विधान से संपन्न हुआ पूजा। सोसाइटी के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा, झारखंड सरकार के COVID-19 गाइडलाइन के अनुसार पूरे विधि विधान से होगी पूजा आयोजित। जमशेदपुर वासियों ने नवी मुंबई में मान्यवर शोरूम के बाहर हिंदुत्व निष्ठ संगठनों ने किया प्रदर्शन, कहा हिंदुओं से क्षमा मांगकर कन्यादान का आपत्तिजनक विज्ञापन हटाएं। वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर काम करने वाले कर्मियों ने अपनी समस्याओं को लेकर की बैठक, नियुक्ति की प्रक्रिया में देर हुई तो आंदोलन का करेंगे निर्णय। जमशेदपुर में नहीं थम रहा है प्रतिबंधित मांस का कारोबार, परसुडी से दो युवक गिरफ्तार। सरायकेला में 20 वर्षीय नवविवाहिता ने की आत्महत्या, एक प्रेम विवाह का हुआ दुखद अंत। मिसेज के MPM वोकेशनल कॉलेज में हेल्थ शिविर का किया गया आयोजन, 110 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की करवाई जांच। गुमला में चॉकलेट का प्रलोभन देकर 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का किया गया प्रयास, आरोपित हुआ गिरफ्तार। झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम हुआ संपन्न, धनबाद के 46 केंद्रों पर संपन्न हुई परीक्षा, 12,000 अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गृह मंत्री से मिला झारखंड के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल, जाति आधारित जनगणना की मांग। LHB कोच के साथ दौड़ेगी हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन, सफर होगा आरामदेह। बुद्धिजीवी मंच ने किया पटमदा में पुलिस अधिकारियों को सम्मानित, इंस्पेक्टर हीरालाल महतो ने की मंच की सराहना। अंत्योदय दिवस पर सामाजिक संस्था यात्रा ने किया सफाई कर्मियों के बीच राशन किट का वितरण। शिबू सोरेन का बयान, कहा झारखंड आंदोलनकारियों को जरूर ही मिलेगा राजकीय सम्मान। झारखंड चैंबर का चुनाव हुआ शुरू, 3 दिन तक डाले जाएंगे वोट। धनबाद में जिला प्रशासन की ओर से रविवार को इट राइट्स कैंपेन के तहत दौड़ का किया गया आयोजन, नियमित दौड़ और संतुलित आहार से दूर होगी 99% बीमारियां। अब RPF के जवानों को भी सब्सिडाइज रेट पर मिलेगा सामान, रांची रेल मंडल में DRM ने कैंटीन का किया उद्घाटन। लातेहार के चाउमीन विक्रेता गोपाल की चमकी किस्मत, रातों रात बन गए लखपति। देवघर झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने रविवार सुबह बाबा दरबार में टेका माथा। और डांस दीवाने में फिर ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रहा है जमशेदपुर का विशाल सोनकर। चक्रवाती तूफान गुलाब की वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द, जबकि कई ट्रेनों की रूटें बदली। रांची में लुटेरों से भिड़ी DSP की पत्नी, सोने की चेन छीनकर अपराधियों को जमीन पर पटका। और अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के सचिव ललन शाह की पत्नी का TMH में इलाज के दौरान हुआ निधन, संस्था के लोगों ने दी श्रद्धांजलि। तो आज के लिए बस इतना ही, ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24।